जगन्नाथपुर से कूद के सबन को आलिस और झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जहां 2 फरवरी में संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा सदियों से अपनी राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाहन करने के लिए संकल्प लेने के लिए एकत्रित होते हैं, वहीं 2 फरवरी को ही सरिंगसिया में हमारे अनेक वीर अपने हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर देते हैं। 2 फरवरी संथाल परगना से लेके कोल्हान तक एक ही उद्देश्य के साथ अपनी सोच और अपनी लड़ाई को हमारे पूर्वजों ने शुरुआत की थी। हम लोग 2 फरवरी के दिन कहीं पर भी रहे, हर हाल में 2 फरवरी दुमका में उपस्थित हम लोग होते हैं। सभी मान्य विधायक, मंत्री, सरकार रहे ना रहे, सर्दी गर्मी बरसात, वो कार्यक्रम कभी बंद नहीं होता। और वही इतिहास इस सरिंगसिया घाटी में हुए एक ऐतिहासिक घटना का है। मैं बदलाव यात्रा के दौरान इस घाटी से गुजरा हूं और हम इस शहीद स्थल को भी नमन करके आगे बढ़े थे। और मुझे क्या पता था कि मुझे वो सौभाग्य मिलेगा कि सरकार हमारी बनेगी, झारखंडियों की सरकार बनेगी, और सरकार बनते ही वीर शहीद सरिंगसिया घाटी के लोगों को सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया है। आज पोटो हो शहीद के नाम पर पूरे राज्य में योजना चल रही है। सभी पंचायत में, प्रखंड में, गांव गांव में पोटो हो खेल मैदान का निर्माण हो रहा है। और बहुत गौरव की बात है, आज हम ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जिन्होंने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपना घर द्वार, खेत बाड़ी, बाल बच्चों को छोड़कर अंग्रेज हो, महाजन हो, उन लोगों से लोहा लिया, उन लोगों के साथ संघर्ष किया। आज उन्हीं की बलिदानी है, आज उन्हीं का संघर्ष का फल है कि आज हमको यह अपना अलग राज्य मिला। और शायद हमारे पूर्वज, हमारे आदरणीय गुरुजी लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़े होते तो यह राज भी नहीं बनता। और आज राज इन्होंने बनाया और अब इस राज को संवारने का जिम्मा अब हम लोगों के कंधे पर है। आज
जिस तरीके से हम लोग हर शहीदों के नमन पर एकत्रित होते हैं, उनको याद करते हैं, आपको याद होगा कुछ समय के लिए हम लोग सरकार पे रहे थे पहले 2014 में। वैसे लगातार यह प्रयास रहा था, अलग राज की लड़ाई भी लड़ते लड़ते कितना लोग शहीद हुआ कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बचा कचा है अभी भी, हम लोग के साथ कभी मंच में मिलेंगे आपको, कभी हमारे साथ कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। हम लोग का संघर्ष आज का नहीं है, सदियों का संघर्ष है। ये राज भी कैसा मिला ये किसी से छुपा नहीं है। राज मिलने के बाद भी कितना संघर्ष हम लोग किए हैं, इस राज के लोगों ने संघर्ष किया है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय गुरुजी, केंद्र से लेकर राज तक कभी केंद्रीय मंत्री, कभी राज के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी इनको शांति से राज चलाने का मौका नहीं मिला। वो कहावत है ना कि गरीब को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वही हालत जब जब सत्ता में आओ या जब जब ऊंचाई पर पहुंचो, कोई ना कोई पैर खींच लेता है, आपको अस्थिर से काम नहीं करने देगा। राज अलग होने के बाद राज के अधिकार की लड़ाई की अलग संघर्ष चली। विगत 20 वर्षों में सबसे अधिक इस राज में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता चलाया और ऐसा अस्त व्यस्त कर दिया इस राज को, कभी सीएनटी एसपीटी पर लड़ाई, कभी भूमि अधिग्रहण पर लड़ाई, तरह तरह के चीजों पर हम लोगों को लड़ना पड़ा, कभी स्थानीय नीति को लेकर लड़ाई, डोमिसाइल को लेकर लड़ाई, और कोल्हान के लोग इसके गवाह हैं, पूरा झारखंड का लोग गवाह है कि पूर्व में कितना अलग राज के बाद असंख्य लोगों पर केस मुकदमा दर्ज हो गया। हम लोग का संघर्ष अनवरत जारी रहा। अंतोगत्वा 2019 में जिस तरीके से हम लोगों ने इस लड़ाई की तैयारी शुरू की थी, एक बदलाव यात्रा के दौरान पंचायत पंचायत, ब्लॉक ब्लॉक हमने लोगों को जागरूक किया और नतीजा अब यह हुआ कि 2019 में यहां पर झारखंडियों की सरकार बनी। और आज आप देखते हैं, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से सरकार इस राज के भावनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रही है। और हम लोग सरकार बनाए, हम लोग का भी दुर्भाग्य सरकार बना नहीं, ठीक से खड़ा नहीं हुआ कि कोरोना ने हमें समेट लिया। सब कुछ बंद, गाड़ी मोटर ट्रेन घर द्वार हाट बाजार सारा कुछ बंद, और लाखों लोग हमारे देश विदेश दूसरे दूसरे राज्यों में जाके फंस गए। हम लोग भी माथा पटक लिए कि अब हम लोग क्या करें। हमारा यहां तो बड़े पैमाने पर मजदूर भाई लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, रोजगार करते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, कोई रिश्ते नाते के लिए भी गया है, कोई घूमने के लिए गया है, सब फंस गया। और उस विपत्ति के काल में पूरे भारतवर्ष में पहला आपका सरकार है जो अपने भाइयों को ट्रेन और हवाई जहाज से ला ला करके अपने अपने घरों में पहुंचाने का काम किया। हाट बंद, बाजार बंद, रोजगार बंद, काम दाम बंद, मजदूर आदमी है खाएगा क्या, काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। महीनों तक लोगों को पका हुआ खाना खिलाने का काम ये आपकी सरकार ने पंचायत पंचायत किया, थानों थानों में किया।
एक साल तक यह प्रक्रिया चलता रहा, अभी भी कोरोना के महामारी में है। आज हमारे वैज्ञानिक दवा इलाज करने के, दवा खोजने के काम में लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वैज्ञानिक बहुत जल्द कारगर दवाई के साथ हम लोगों के लिए कोई ना कोई दवाई का इजाद करेंगे। समय का बहुत अभाव है, नहीं तो हमारा हेलीकॉप्टर उड़ेगा भी नहीं। लेकिन ये आप अस्वस्थ रहे, आज हम लोगों का यहां पर जो हम लोगों का विल्किंसन रूल के तहत जो कोर्ट की स्थापना थी, वो उद्देश्य भी हमारे जहन में है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, परंपरा व्यवस्थाएं सदियों से चलती आई हैं। यहां महाजनी प्रथा खत्म हुआ, यहां राजा वो अलग व्यवस्था खत्म हुआ, लेकिन हमारा मान की मुंडा व्यवस्था, माझी परगणित व्यवस्था आज के दिन में भी कायम है। इसे मजबूत बनाना हमारा जिम्मेवारी है। हम लगातार जितने भी खाली पद हैं मान की मुंडा के, प्रधान के, उन सभी पदों को भरने का निर्देश प्रशासन को दे रखा है। इस राज्य में कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा, सभी लोगों के पास अपना जमीन होगा और पट्टा देने का काम हर कार्यक्रम में पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारे सुखराम भाई, आप लोगों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए पांच पांच बड़ा बड़ा एम्बुलेंस आप लोगों को आज समर्पित कर रहे हैं। आज वो आपके सेवा में काम आएगा, गांव गांव में। ऐसे अनेकों पहल हमारे माननीय विधायकों के तरफ से, माननीय मंत्री की गण के तरफ से, अभी कई प्रोग्राम का शिलान्यास उद्घाटन होना है। हम कई बात नहीं कह पा रहे हैं समय के अभाव में, लेकिन हमारे माननीय विधायक लोग बताएंगे कि सरकार की उपलब्धि क्या है। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिले के तरफ से और साथ ही इस क्षेत्र की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करें, आपकी जोरदार तालियों के साथ। मानकी मुंडा सिरगेसिया वासियों और जिला प्रशासन के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद आज वीरों की धरती पर पधारने के लिए। आप सब बैठे रहें, कार्यक्रम चलता रहेगा। जितने भी लाभुक हैं और जितनी योजनाओं का शिलान्यास होना है वो माननीय मंत्री महोदया जो